नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैना लिली के पौधे के बारे में, इसकी कंप्लीट केयर के बारे में। आज मैं बात करूंगी कैसे इसको लगाएं, कैसे इसका ध्यान रखें, कितनी इसको धूप चाहिए इसके बारे में। तो दोस्तों, ये पौधा देखिए नीचे लगा हुआ है और एक ही पौधे से सारे पौधे बन गए हैं। तो ये ऐसा पौधा है कि इसमें अपने आप ही नीचे से नए नए पौधे निकलते रहते हैं, आप चाहे उनको अलग करके लगा दें। तो इतना इजी टू ग्रो है ये, बहुत ही सुंदर लगता है और इसकी पत्तियां तो इतनी सुंदर होती हैं, मुझे इसकी पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। आप देखिए इसकी पत्तियां इतनी किस तरह से बिल्कुल ग्रीन और कितना सुंदर इस पर डिज़ाइन होता है। तो अगर इस पर फूल नहीं भी लगते तो भी इतनी ग्रीनरी देता है कि लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। और फूल तो इस पर आते ही हैं, कई कलर्स में ही आता है, अलग अलग रंगों में मिल जाएगा। और देखिए कितना सुंदर रंग है, बिल्कुल किस तरह से ऑरेंज और येलो कलर का फूल है, और बहुत ही कितना सुंदर लगता है ये। और बहुत सारे फूल आते हैं क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है, अभी तो जैसे थोड़ा ठंड स्टार्ट हो गई है तो गर्मियों में और भी ज़्यादा इस पर फूल आते हैं, और फूल बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं अलग अलग कलर्स में। और अगर फूल नहीं भी आते तो भी ये पौधा लगा हुआ इतना अच्छा लगता है क्योंकि इसकी हाइट भी हो जाती है और इस तरह से इस पर पत्तियाँ होती हैं लंबी लंबी, और कितना सुंदर डिज़ाइन है जो दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। कितने सारे पौधे तो हम इसीलिए लगाते हैं कि वो बस ग्रीनरी देते हैं, उनकी पत्तियाँ अच्छी होती हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छा ये पौधा है। और इसकी मिट्टी की बात करें तो आप कैसी भी मिट्टी में इसको लगा दें, लेकिन आप गमले में लगा रहे हैं तो थोड़ा, अगर आप वेल्ड्रेन मिट्टी में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और खाद मिला लें उसमें 30-40%, क्योंकि अगर आपको फूल लेने हैं पौधे से तो ये तो खाद उसमें मिलाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बढ़िया इसके लिए रहता है कि इस आप जो पत्तियां होती हैं गार्डन में या फिर जो भी, तो उसके मिट्टी में डाल दें। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी इसकी जो पत्तियां आप इसमें डालेंगे वो खाद का रूप भी लेती रहेंगी। और सबसे बढ़िया जो बात है वो ये है कि एक मल्चिंग हो जाएगी जिससे कि पौधे में नमी बनी रहेगी, तो इसको नमी बहुत चाहिए, तो इसलिए आप इसमें डेली पानी दें। और ताकि नमी बनी रहे उसके लिए आप इसकी मल्चिंग कर दें पत्तियों से, तो पत्तियां खाद का रूप, खाद भी इसको देती रहेंगी और साथ ही साथ जो नमी है वो इसमें बनी रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छी है, इस पर पत्तियां आप डाल सकते हैं मिट्टी पर, बहुत अच्छी रहेंगी। और 15 से 20 दिन में इसमें वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा रहता है, वो इसमें खाद दें अच्छे फूल पाने के लिए। और इसकी सनलाइट की बात करें तो कम से कम 4 से 5 घंटा धूप इसको ज़रूर चाहिए, क्योंकि फूल वाला पौधा है, कोई भी फूल वाले ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनको कम से कम इतनी धूप ज़रूर चाहिए। तो ऐसी जगह पर आप इसको लगाएं जहाँ कम से कम 4 घंटे तो ज़रूरी धूप मिले, 4 घंटे भी धूप मिलेगी तो इस पर अच्छे से फूल आते रहेंगे। और गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा ये पौधा है, और गर्म सर्दियों में भी आराम से ये टिका रहता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो इस ये सूखने लगता है, वरना खूब सर्दियों में ये बचा रहता है और फिर गर्मियों में फिर से इस पर इसकी पत्तियाँ और ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं और खूब अच्छे से इस पर फूल आने लगते हैं। तो ये ऐसा पौधा है जो साल भर आपके यहाँ टिका रहेगा और सर्दियों में अच्छे से ग्रीनरी देगा, और जैसे ही गर्मी आएंगी फिर से फूल देना शुरू कर देगा। तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं, इसकी फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिया, मिट्टी भी आपको मैंने बता दी, मिट्टी स्पेशल ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन आप वेलड्रेन मिट्टी में लगाएं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। सभी पौधे के लिए वेलड्रेन मिट्टी अच्छी रहती है, और 15 से 20 दिन में कम से कम 20 या 25 दिन में तो ज़रूर इसको वर्मी कंपोस्ट दें, बहुत ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत नहीं है। 20-25 दिन में एक बार आप इसको वर्मी कंपोस्ट देंगे तो अच्छे से, बहुत अच्छे से ये फूल देगा। और सनलाइट 4 घंटे कम से कम, अगर 5 से 6 घंटे मिले तो और भी अच्छा है अच्छे फूल पाने के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर ये पौधा है और ग्रीनरी भी देता है साथ के साथ, बहुत सुंदर फूल भी देता है। तो आप इसको ज़रूर लगा सकते हैं अपने घर में, और अगर आपके यहाँ ज़मीन है तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा ये, बहुत सारे नए पौधे भी बन जाएंगे। तो और इतने सारे कलर्स आते हैं, खूब सारे कलर्स मिक्स करके भी लगा सकते हैं, वरना देखिए कितना सुंदर फूल आता है इस पर। तो इसकी कंप्लीट केयर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो मिलते हैं एक नए पौधे की जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद।